हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं नेहा पढ़ना ब्लॉग। तो आप लोग अच्छे हैं फैमिली लोग? और मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआ से, आशीर्वाद से। और आज देख सकते हैं कहाँ हूँ मैं, आज घूमने आई हूँ। आप लोग को पता ही है कि मैं अभी अपने घर पे हूँ, यानी कि गांव में। तो अभी मैं आई हूँ घर पे, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, सोचे चलो खेत घूम के आती हूँ। तो देख सकते हैं यही देखने के लिए मेरा मन पूरा ये हो रहा था, ये वाला देखो तो फूल कितना अच्छा है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आ गई घूमने के लिए। पूरा देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम सरसों ही भरा हुआ। तो देख के ना, हर किसी को, सिर्फ मेरे को नहीं, हर किसी को ना ये मूवी का जरूर नाम याद आता होगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और ये मूवी का सॉन्ग है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। बस ये सॉन्ग तो जरूर याद आता होगा। और पता नहीं यहाँ आने के बाद ना, और ये हरे भरे सरसों देखने के बाद ना, मुझे ना शाहरुख खान का फील आने लगा। कहा शाहरुख खान अभी होते मेरे साथ, मैं भी क्या बोलती, शाहरुख खान मेरे साथ होंगे पता नहीं, उस लायक बनूंगी एक ना एक दिन। ये मेरे अंदर है, अपने आप में हिम्मत है कि उस लायक नेहा बनेगी जो शाहरुख खान से मिलेगी जरूर। तुझे देखा, और अब मैं आप लोगों को गांव की ये खेत वगैरह दिखा दी। और आगे आगे भी देख सकते हैं पूरा यहाँ से, जहाँ भी देखिए पूरा सरसों लगा हुआ है, पूरा सरसों लगा हुआ। चलो चलते हैं अब। और ये बगल में किसी का बगान लगा हुआ है, और ये रोड है बीच में रोड है, और रोड के वो साइड और ये साइड सिर्फ खेत है, खेत भरा हुआ और सब सरसों लगा हुआ है। कितना मस्त लग रहा है। यही सब देखने के लिए तो मैं आई हूँ यहाँ पे। आओ देख सकते हैं रोड पे अब पहुंच गई हूँ। यही रोड है, देख सकते हैं गांव का रोड। और ये सीधे चला जाता है घोघी, जो नाम है घोघी है गांव का। और ये इधर भी देख सकते हैं, और वहाँ पे रेलवे लाइन है, वहाँ पे ना ट्रेन भी चलती है। ये हो गया घोघी आपका, और ये है पगली है चिमकांडी, इसी को लेकर आई घूमने के लिए। और ये आपका चला जाता है बरियारपुर गांव है, नाम पड़ता है। और इधर मेरा घर है, और ये राजपुर है मेरे गांव का नाम। कितना अच्छा सजा हुआ एकदम, पूरा एकदम दुल्हन की तरह और ये यहाँ अपने पहले ये नहीं था बना हुआ, बट इस बार मैं आई ना, तो आई थी एक दिन घूमने शाम में, तो यहाँ ना दुकान खुल गया है। क्या चीज़ का दुकान है यहाँ पे? किराना स्टोर। उसमें क्या क्या मिलता है? बिस्किट मिल जाएगा, और जैसे कि पाउडर ऑर्डर, और ऑर्डर क्या होता है? पाउडर तो सुना है, बट ऑर्डर क्या होता है? पाउडर ऑर्डर। और ये साइकिल बाबू, क्या रोड अच्छा है जो साइकिल तुम लोग चला रहा है? रोड तो अच्छा है, लेकिन क्या घाव के गांव का रोड थोड़ा मिस्टेक है। तो यहाँ का मुखिया कौन है, बोलो उसको। सिर्फ कोई बन ही नहीं पाया है। क्यों नहीं बन रहा? तुम बन जा, बनेगा तुम लड़ेगा इलेक्शन। अच्छा अच्छा बाबू, बता अगर तुमको एक दिन के लिए मुखिया बना देते हैं, क्या क्या करोगे सेवा, बोलो गांव के लिए, राजपुर से लेके घोघी तक? रोड बना देंगे, और जो कर पाएंगे कर देंगे, रोड बना देगा। ये तो बहुत अच्छा का बात बोला है, बनेगा तो इलेक्शन में। इसका नाम ए बाबू, क्या हुआ नाम तुम्हारा? अनिशा से क्या पूछे, तुम बताओ ना, तुम बताओ। टीचर है क्या? अच्छा अनिशा टीचर है। ओ तुम्हारा स्टूडेंट है वो? यस, मतलब कि मैं जाती हूँ ना पढ़ने के लिए, तो उसको पढ़ा देती हूँ। अच्छा, तो गांव के बच्चे कितना समझदारी की बात की है कि रोड सबसे पहले बनाऊंगा बच्चे। और ये खेत देख सकते हैं यहाँ पे सबसे मस्त चीज। अच्छा मटर है, हाँ, ये जो खेत इसमें क्या है, चना का साग लगा हुआ जो मेरे को बहुत पसंद है। चना का साग और चावल और हरी मिर्च, उसके साथ अचार मिल जाए तो लवली।
आराम से आना, धीरे धीरे उतरना। ये दोस्तों देख सकते हैं फैमिली लोग, चना का साग कितना अच्छा अच्छा है ना निशा? हाँ। और इधर देख सकते हैं मटर, और ये देख सकते हैं मटर लगा हुआ, यही तो है गांव का खासियत। देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है फरा हुआ, ये हरा हरा मटर। हाँ राजपुरे के ही की है। और यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली लोग, ये आंटी लोग हैं मटर तोड़ रहे हैं। क्या आंटी, बहुत अच्छा अच्छा है मटर। हाँ। देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा मटर है। यही सब शहर में कहाँ मिलता है देखने को, ये सब शायद इसमें भी मटर है। देख सकते हैं बोरे में मटर है, ये इतना सारा बोरा, ये जितना बोरा है सब में मटर है। पूरा सरसों सरसों ही लगा हुआ है। सिर्फ आपको ना कल कोई कोई जगह गेहूं मिलेगा, बाकी मटर। हाँ, और अभी ना ठंडा का मौसम है तो सरसों, चना का साग, मटर और गेहूं, यही सब का सीजन है ही। तो दोस्तों देख सकते हैं साग लगा हुआ, पता नहीं किसका है, घुसाएंगे थोड़ा सा तोड़ कर देखती हूँ। साग तोड़ने में जानती हूँ क्योंकि गांव की छोड़ी हूँ ना, इसलिए ये देख सकते हैं। और इधर ये मटर है, मटर में एक तोड़ती हूँ, एक ये दानेदार तोड़ना, और ये छील के बताती हूँ। देख सकते बाव इतना बड़ा बड़ा है, और इस देख सकते हैं, और इसको मैंने खा के दिखाती हूँ। लो तुम भी। वाह ये तो बहुत मीठा है, देखा बहुत अच्छा है। हाय गाइस, मैंने सब गांव के जो खेत में मटर लगाया जाता है ना, वो खासियत बहुत मीठा होता है ना दीदी। ना तो गांव का बात ही कुछ और है। तो क्या दोस्तों कैसा लगा मेरा गांव, नेहा का गांव? इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। और नेहा फिर आएगी हंसाते हुए और खुद हंसते हुए। तो फिर मिलती है नेहा गांव के, फिर अलग अलग चीज़ दिखाई, क्योंकि भी नेहा भी रहने वाली है गांव में, उसके बाद जाएगी पटना अभी। पहले मेरी दीदी सारा चीज़ आप लोग को दिखा के जाएगी। हाँ जरूर, सही बोली है पगली। तो दोस्तों बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।